हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेसन 5, जीवन की मौलिक इकाई, पार्ट 5 पढ़ेंगे अपन जीवन की मौलिक इकाई। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसी लेसन में जंतु कोशिका एवं संरचना पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की कोशिका जो पौधों में पाई जाती है, उसे हम पादप कोशिका कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका पौधों में पाई जाती है और जंतु कोशिका जंतु। तो पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं, जिसकी संरचना के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पादप कोशिका शष्टभुजी होती है, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में हम सेल वॉल कहते हैं। सबसे बाहर सेलुलोज की बनी हुई कठोर परत पाई जाती है, इसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। सेकेंड कोशिका झिल्ली, यह पादप कोशिका की दूसरी अंदर की परत होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है और ये पदार्थों को आवागमन में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है रिक्तिका, इसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। पादप कोशिका में बड़ी आकृति की गोल गुब्बारे के समान आकृति होती है, इसको रिक्तिका या वैक्यूल कहते हैं। इसमें कोशिका का भोजन जमा होता है। फोर्थ पॉइंट है हरित लवक या क्लोरोफिल। देखिए, हरित लवक या क्लोरोफिल हरे रंग का रंग पर पाया जाता है, जो केवल पादप कोशिकाओं में होता है। यह हरित लवक या क्लोरोफिल बच्चों जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसी हरित लवक के कारण पौधे सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस विधि द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और पौधे क्यों अपना भोजन बना लेते हैं? क्योंकि उसमें हरे रंग का हरित लवक पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है लाइसोसोम, इसको इंग्लिश में लाइसोसोम ही कहते हैं। ये फ्लावर की आकृति की होती है और लाइसोसोम में मैंने जंतु कोशिका में भी आपको बताया है कि लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। कभी कभी ये लाइसोसोम अपने आप को ही पचाकर नष्ट कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि लाइसोसोम को ही पचा देते हैं। छठा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। जंतु कोशिका की तरह पादप कोशिका के अंदर भी तस्करी के समान प्लेट की आकृति की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा एटीपी के रूप में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर जमा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका
ये सातवां पॉइंट है केंद्र। जंतु कोशिका की तरह केंद्र, इसको इंग्लिश में हम न्यूक्लियस कहते हैं। जंतु कोशिका की तरह पादप कोशिका में मध्य में गोलाकार आकृति पाई जाती है जिसको हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर जीवाणु भरा होता है और गुरुसूत्र पाया जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह केंद्रक पूरी कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, इसलिए केंद्रक को हम नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम भी कहते हैं। ओके, अब आठवां पॉइंट है गुणसूत्र। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था जंतु कोशिका में भी कि केंद्रक के अंदर धागे के समान आकृति पाई जाती है जिसको हम गुण सूत्र कहते हैं। गुण माने लक्षण, सूत्र माने धागे। ऐसे धागे जिसमें उस जीव के और उस कोशिका के सारे गुण उपस्थित होते हैं। इसी गुण के द्वारा, गुण सूत्र के द्वारा माता पिता के लक्षण होने वाले संतानों में जाते हैं। चौथा नंबर है गॉल्गी उपकरण। केंद्र के पास नलिकाकार आकृति पाई जाती है जिसको हम गॉल्गी उपकरण कहते हैं। इसको गॉल्गी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। गॉल्गी उपकरण द्वारा चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जिसके कारण जीव द्रव पूरा तरल अवस्था में पाया जाता है। और आखिरी पॉइंट है जीव द्रव। दसवां नंबर जीव द्रव या कोशिका द्रव, इसको हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर भरे हुए तरल जीवित द्रव को जीव द्रव कहते हैं। इस तरह से ये पादप कोशिका है, हमने लास्ट क्लास में जंतु कोशिका पढ़ी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा, सेकेंड टॉपिक जंतु और पादप कोशिका में अंतर। जंतु और पादप कोशिका में अंतर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर, तो हम इसके अंतर के लिए एक साइड जंतु कोशिका लिखेंगे और दूसरे साइड पादप कोशिका। ऐसे करके आपको थोड़ा कराने फर्स्ट पॉइंट में लिखिए जंतु कोशिका जंतुओं के शरीर में पाई जाती है, पादप कोशिका पौधों के शरीर में पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये है जंतु कोशिका का कि जंतु कोशिका अंडाकार होती है। पिछली क्लास में सुने कि जंतु कोशिका ओवल शेप या अंडाकार होती है। पादप कोशिका में क्या लिखेंगे कि पादप कोशिका षष्ठभुजी छह भुजाओं वाली होती है। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें कि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। याद रखेंगे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हम पादप कोशिका में लिखेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ओके, चौथा पॉइंट लिखेंगे हम कि जंतु कोशिका में हरित लवण या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये जंतु कोशिका में नहीं होता। परंतु जब हम पादप कोशिका में लिखेंगे कि पादप कोशिका में हरित लवण या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम इसका कि पांचवा पॉइंट कि इसमें रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं हैं जहां पर भोजन एकत्रित होता है वो रिक्तिकाएं छोटी आकृति की होती है। ठीक है,
जबकि पादप पुष्पा में आप देख रहे हैं कि रिक्तिकाएं बड़े बड़े आकार की होती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट, कि जंतु कोशिकाओं में तारक काय या सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में तारक काय या सेंट्रियोल पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल या तारक काय नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ाया कि पादप कोशिका एवं संरचना पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पढ़ाया। ठीक है, इसी तरह आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम एंट्री कीजिए। ओके, थैंक यू।